भाई खान पापा बोल रहे हैं। बोलो भाई क्या बोलना है बोलो। Yo yo yo, what's up people? It's your boy Super Khalsa here, the best wrestler, but with bad attitude. So finally, आज वो दिन आ चुका है जब खान बाबा से लाइव बात करने वाला हूँ अभी मैं। तो जैसा कि उसी को पता है कि इसके जो मैनेजर था या पता नहीं इसका दोस्त था, इसका भाई था, इसका चाचा था, इसका मामा था, उससे मेरी बात हुई थी। आप सभी ने वो बातचीत सुनी होगी। उसने मुझे बोला था कि कल आप खान बाबा को कॉल करना, तो खान बाबा आपसे बात करेगा। तो फाइनली अभी इसे मैं कॉल करने वाला हूं और मुझे इन्होंने रिप्लाई करके भी बोला है कि थोड़ी देर में खान बाबा आपसे बात करेगा, आप कॉल कर लेना जब भी आपने कॉल करनी हो। तो अभी मैं इनको करने वाला हूं लाइव कॉल। और आज पाकिस्तानी टट्टू से आमने सामने बातचीत हुई क्योंकि इसने मुझे वीडियो में रिप्लाई दिया है और उसके बाद ये कॉल पे आता नहीं था, लेकिन आज ये कॉल पे मुझसे मेरे साथ बात करेगा। तो इससे कोई फालतू बात नहीं आज मैं करने वाला, इसको सीधा पूछूंगा। हाँ भाई पाकिस्तानी टट्टू बता, कहाँ मार खानी है, किस जगह पे मार खानी है तूने और कहाँ पे फाइट करनी है? सीधी बात होगी, सीधी बात, नो बकवास। खान बाबा के छितर मारने के लिए मैं तैयार हूं अभी इस समय। इसको सीधा पूछेंगे कि कहां पे इंडिया पे आके तू मार खाना चाहता है, किस जगह पे आने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि इसने मुझे पाकिस्तान के बॉर्डर पे बुलाया था। इसका बाप सुपर खालसा वहां पे पहुंच गया था लेकिन ये वहां पे नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारा जो बातचीत तय हुई थी कि मैं अगर बॉर्डर पे आता हूं तो ये खान बाबा मुझसे फाइट करने के लिए इंडिया में आएगा, जहां कहीं भी इसका बाप सुपर खालसा से बुलाएगा। सो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा से इसको करते हैं कॉल, क्योंकि मैं इस समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप लोगों को मेरी बातचीत से फील हो रहा होगा कि मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूं इस समय इस पाकिस्तानी टट्टू खान बाबा के छितर मारने के लिए। और अभी जल्दी से इसको लगाते हैं हम कॉल और इसको पूछते हैं कि हाँ भाई बता किधर मार खानी है। और बहुत से लोग ना कुछ बेवकूफ पाकिस्तानी मुझे बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान में कॉल तो लगती नहीं, आप कॉल कैसे करते हो? तो मेरे बेटे में है व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, व्हाट्सएप पे तो कॉल लग जाती है ना, थोड़ा सा तो दिमाग यूज किया करो। मैं अपनी वीडियोस में कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, लेकिन तुम लोगों के मोटे ही हैं। जैसे खान बाबा का दिमाग मोटा है वैसे ही तुम लोगों का भी दिमाग मोटा है जो ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। पहले सारी वीडियोस देख लिया करो फिर आगे कमेंट्स में कुछ लिखा करो। तो जल्दी से इसको करते हैं कॉल पाकिस्तान टट्टू को, मैं आपके इधर पास आ जाता हूँ। मैंने मिला दिया इसको कॉल और आपको साउंड आ रहा होगा, अभी रिंग जा रही है। तो अभी इसके नंबर पे आ रहा है +91 और इससे इनकी हो जाती है चड्डी गीली पूरे पाकिस्तानियों की। तो अभी इसको कॉल लगाई हुई है, तो जैसे ही ये कॉल उठाता है तो अभी आज से फुल एंड फाइनल करेंगे, क्योंकि मैं भी परेशान आ चुका हूं इन लोगों को बार बार कॉल पे कॉल करके। और हेलो, हाँ भाई खान बाबा बोल रहे हैं? मैं सुपर खालसा बोल रहा हूँ। कल तो तूने या पता नहीं किससे मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बोला था कि खान पापा आपसे बात करेगा, आप कॉल कर लेना। तो अभी मैसेज भी किया था इससे पहले। बात आपकी खान पापा से करवा देते हैं। अच्छा करवाओ फिर। हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हमारी एक शर्त है, जैसे इंडिया के लोग बदतमीज से बात करते हैं वैसे आपने उनके साथ बात नहीं करनी है। आप हमें मालूम है आप इंडिया में एक बहुत बड़े रेसलर हो, वो खान बाबा भी पाकिस्तान में रेसलर है। जैसे एक बहुत बड़ा रेसलर एक दूसरे रेसलर के साथ बात करता है वैसे आपने तहजीब के साथ बात करनी है। अच्छा खान बाबा एक बहुत बड़ा रेसलर है, क्या क्या किया उसने? चल मैं उससे खुद पूछ लूंगा। तूने जो ये बात की ना, मुझे अभी इतना गुस्सा आया था ना तेरे पे। तूने बोला कि इंडिया के लोग जैसे बदतमीज से बात करते वैसे मत बात करना। मैं तुझे अभी गालियां देना चाहता था लेकिन मुझे करनी है खान बाबा से बात। तूने जो कहा ठीक है, कोई नहीं, तुम लोगों को इसका सारा मैं रिप्लाई दूंगा उस टाइम पे जब तुम्हारा खान बाबा मेरे सामने होगा, फिर रिंग में उसे बताऊंगा मैं। ठीक है, मैं उससे प्यार से बात करूंगा। सीधा बोल कि खान बाबा डरता है मुझसे बात करने के लिए, यही बोला ना कि खान बाबा मुझसे बात करने के लिए डरता है। तो ठीक है, उसका बाप सुपर खालसा उससे प्यार से बात करेगा, तमीज से बात करेगा। चल करा बात खान बाबा से, जल्दी करा जरा, मेरे पास टाइम कम है। हाँ होल्ड कर रहा हूँ, तू जल्दी बात करवा। तो अभी इसने कॉल लगाई हुई है मेरी होल्ड पे, तो खान बाबा से बात भाई कर रहा हूँ होल्ड, जल्दी बात करवा। तो अभी इसने कॉल लगाई हुई है होल्ड पे, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही ये बात कराता है अभी खान बाबा की, मैं देखना कैसे चड्डी गीली करता हूँ कॉल के ऊपर।
थोड़ी सी वेट करो बस। हाँ भाई जा रहा है ना बात करवाने के लिए, किधर किधर बैठा हुआ है खान बाबा? हाँ जी हाँ जी भाई जान बात करवा रहे हैं, उनके पास कुछ बंदे बैठे हुए हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी बात करवाते हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए थोड़ा। अरे सब्र तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी मैं तुझे क्या बताऊं भाई, तू खान बाबा को ना जल्दी बोल, उसे बोल कि इंडिया से सुपर खालसा का कॉल आया हुआ है। फिर तुम लोग जब ऐसी हरकतें करोगे, मुझे तंग करोगे, परेशान करोगे, गुस्सा दिलाओगे इतना टाइम लगा के, तो फिर मुझे पता है ये सारी ना ट्रिक्स होती हैं, पॉलिसी होती है कि कैसे दूसरे बंदे को जानबूझ के उसका कॉल के ऊपर वेट करवानी कि वो वेट करके बात करे, और शो करना खान बाबा एक बहुत बड़ा आदमी है तो उसको कॉल आई है, तो मुझे जानबूझ के तुम लोग वेट करवा रहे हो, मुझे सारी चीजों का पता है। लेकिन इस समय सारी चीजों को मैं ना साइड पे रख रहा हूं, कोई मुझे गुस्सा नहीं है किसी के ऊपर भी, मुझे सिर्फ खान बाबा से अभी बात करनी है, फुल एंड फाइनल फाइट डिसाइड करनी है, फिर फाइट के अंदर सारा का सारा गुस्सा निकालूंगा मैं, ठीक है? तो अभी बता भाई और कितनी देर, मुझे मालूम है आप सुपर खालसा बोल रहे हैं, मैंने आपका जो सुनेहा उनके बाद भेज दिया, अभी मेरे पास ही वो आ रहे हैं, अभी दो मिनट आप इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए थोड़ा, अभी मेरे पास ही आ रहे हैं। दो मिनट भाई, दो मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, तो जल्दी जाओ उसके पास, जाओ उसे कॉल पकड़ाओ, उसे बोल बात कर, ठीक है? दो मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, इतना टाइम मैं खान बाबा के लिए वेट नहीं कर सकता, ठीक है? तो जल्दी जाओ उसके पास, उसे बोल की बात करे, जल्दी कर जरा, टाइम कम है मेरे पास। भाई जान मेरे 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 पास ही आ रहे हैं अभी, मेरे दो मिनट में मेरे पास आ रहे हैं, आपकी बात करवाता हूँ थोड़ा सा बाकी। तो जल्दी कर ले भाई, जल्दी कर ले, मैं तुझे बस यही बताऊंगा, जितना ज्यादा अबे तो जितना ज्यादा टाइम लगाएगा ना उतना ज्यादा मुझे गुस्सा आएगा, जितना ज्यादा मुझे गुस्सा आएगा ना उतना ज्यादा फिर मैं थोड़ा सा ना फिर उस तरीके से बात करूंगा खान बाबा से, फिर मुझे मत बोलना कि भाई जान आपने बोला था कि तमीज से बात करनी है या प्यार से बात करनी है, फिर मत मुझे बोलना। हाँ करवा रहे बात? हेलो भाई जान, मैं खान बाबा मेरे पास आ रहे हैं। हाँ तो मैंने आपको जो बात बोली थी, आपने तहजीब से बात करनी है, वो बात आपको याद है ना? अबे मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं तमीज से ही बात करूंगा, तहजीब से तू जो भी अपनी उर्दू में या पश्तो में बोल रहे हैं उसी से ही बात करूंगा, तू टेंशन मत ले, तू बस जल्दी से बुला, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, मेरा ना पारा हाई हो जाता है, जब पारा हाई हो जाता है फिर मैं देखता नहीं हूं मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है? तू जल्दी से बात करवा दे अब। हाँ करा 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 बात करा बात करा। हेलो हेलो, हाँ भाई खान बाबा बोल रहे? बोलो भाई क्या बोलना है, बोलो। हाँ भाई खान बाबा, तेरी आवाज सुन के बहुत खुशी हुई मुझे इस समय। तो देख तेरे मैनेजर ने जो भी तेरा था वो मुझे बोला था कि थोड़ा तजीब से बात करना, इसलिए तुझसे मैं ना प्यार से भी बात कर रहा हूं, तो मुझे बस अभी सीधा बता तूने किस जगह पे मेरे साथ फाइट करनी है, क्योंकि तूने मुझे बोला था कि मैं इंडिया आऊंगा जब तू पाकिस्तान के बॉर्डर पे आएगा, मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे आया, तू वहां पे आया नहीं, उसके बाद तू मुझे कहीं पे भी दिखा नहीं, किधर गया किधर नहीं गया, अभी मुझे बस तू ना सीधा सा बता दे कि तूने किस जगह पे फाइट करनी है, कब तू इंडिया आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यहां तू जो भी करना है ना बस तू मुझे भी जल्दी से बता कि किस जगह पे फाइट करनी है, किस जगह पे मुझसे मार खानी। अबे ये क्या बोल रहा है? अबे अबे हिंदी में बात कर यार, ये क्या अभी इसने मोटे ने कॉल काट दी भाई, ये क्या बोल रहा था, ये क्या था भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बोल गया ये मोटा गेंडा, अबे ये कौन सी भाषा बोल गया भाई, दोबारा लगाते हैं कॉल इसको, ये क्या चक्कर था यार, दोबारा कॉल लगाता हूँ भाई, इसने कॉल काट दी, जा रही है रिंगा भाई, ये बोल क्या गया, अभी जल्दी से ये कॉल उठा ले रहा। हाँ भाई मोटे गेंडे, ये क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे भाई यार मैंने आपसे बात करवा दी है, उन्होंने क्या बात किया? अबे तू क्यों बात कर रहा है भाई, तू खान पापा को बोलना बात करे, तू क्यों बात कर रहा है, अभी खान पापा बात कर तो रहा था, खान पापा को पकड़ा कॉल, उसने क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या ये क्या कुत्तू कुत्तू पता नहीं क्या बोल गया वो, कुछ समझ नहीं आया मुझे, उससे बात करवा। आप मेरे पास नहीं बैठे हैं, वो चले गए, मैंने आपसे आपकी बात करवा दी है, आप तो देख रहे हो क्या बात की, आप इंडिया में, आपको बोला है आप इंडिया में अपना शो गया वो उसका अरेंज करो,
अबे पहले भाई मुझे बता तो दे वो बोल के क्या गया, मुझे कुछ समझ नहीं आई उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये तो बता दे मुझे उसने कौन सी भाषा में बोला, ये क्या बोल गया, ये क्या बोला था उसने। मैंने बोला था उन्होंने यही बात बोली है, आप इंडिया में शो जो आपने करना उसका इंतजाम कीजिए भाई, ये लेवल का शो होना चाहिए, खान बाबा वहां पर पहुंच जाएंगे, आपने सिर्फ तारीख बतलानी है दिन बतलाना है भाई। तू ये बात मेरी ना खान पापा से करा, उसे बोल ये बोले और हिंदी में उसे बोल बात करने के लिए, अभी जल्दी तू पहले उससे कॉल पे बात करा, तू बीच में मत बोला कर, मैं तुझे पहले ही बोला, तू खान पापा को कॉल पकड़ा जल्दी उसे बोल बात करे। अबे कहाँ जा चुके हैं यार भाई, ये कैसे बहाने यार तुम लोग बनाते हो, मैं तेरा कल से वेट कर रहा था कॉल पे बात करूंगा कॉल पे बात करूंगा, अभी तूने कॉल पे बात कराई है तो पता नहीं क्या वो बोल के दो मिनट में निकल गया, तो फिर तुम लोग जानबूझ के फिर मुझे ऐसी हरकतें करते हो ना मेरे साथ, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं अभी तुझे मेरा मन कर रहा है कि मैं गालियां निकालना शुरू कर दूं जैसे तुम लोग हरकतें कर रहे हो अभी इस समय। अबे क्या बात की है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया अभी, ये तो चीज तू बोल रहा है मुझे उसे बोलना बोलने को कि क्या बोल रहा था वो, हिंदी में बात करने के लिए बोल उसे। यार अभी इसने कॉल भी काट दी तो ये खान बाबा से बातचीत हुई है मेरी भाई, तो जितने मेरे भाई इसकी भाषा को समझते हैं खान बाबा की, पता नहीं क्या उर्दू तो मुझे नहीं लग रही थी, उर्दू तो हिंदी से मैच करती है, उर्दू बोली है या इसने क्या पश्तो बोली है पता नहीं क्या बोला है इसने, जो कुछ भी बोला है ना, तो प्लीज मेरे भाई जितने देख रहे हो ना प्लीज यार आप लोग जिसको ये भाषा समझ आती है प्लीज मुझे ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये मोटा गेंडे ने बोला क्या है, और अभी इसका जो मैनेजर था जो भी था वो मुझे बोला कि तो आप लोग शो की तैयारी करो, तो बहुत जल्द शो की तैयारी है, अभी मेरा ऑलमोस्ट सारा प्लान रेडी है, तो एक बहुत बड़े लेवल पे मैं शो करवाने जा रहा हूँ इंडिया में, और जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी इनवाइटेड हो गए, और हम यहाँ पे बुलाएंगे पाकिस्तान टट्टू को मार खाने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे ही शो की डेट या सारा कुछ फाइनल होता है, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि शो करवाओ वहां पे खान बाबा आएगा, तो पूरा शो सारा बना के फाइनल में रेडी करूंगा, जैसे ही डेट फिक्स होती है जैसे स्टेट फिक्स होती है कौन सी स्टेट पे किस जगह पे होगा सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, और जिस भी स्टेट पे आया तो उस स्टेट के लोग मुझे पता है जब मैं खान बाबा को ठोकूंगा ना तो आप लोग देख के बहुत खुश हो गए, अभी मैं ढूंढता हूँ किसी ट्रांसलेटर को जो मुझे ये ट्रांसलेट करके बताए कि ये खान बाबा ने बोला क्या, क्या बकवास की है इसने अपनी वीडियो में, तो जल्दी मिलता हूं आपको फाइनल डेट के साथ कि किस जगह पे शो होने वाला है इंडिया में, जहां पे आके खान बाबा सुपर खालसा के हाथ से अपना टपा टप करवाएगा।